बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं फौजिया बाबर और मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूं उसका नाम है पोटली पुलाव। आप सोच रहे होंगे कि पोटली पुलाव क्या है, तो जल्दी जल्दी से आपको बता देते हैं ये कि पोटली पुलाव क्या है। ये मैं आपको तकरीबन तीन पार्ट्स में बताऊँगी कि पोटली पुलाव कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले तो पोटली, जो नाम से ज़ाहिर है कि ये पोटली से बनेगा, पोटली के लिए हमें एक मलमल का कपड़ा चाहिए, ये मैंने काट के रखा हुआ है। और इस पोटली में जो कुछ जाएगा वो है दो खाने के चम्मच ज़ीरा, दो खाने के चम्मच सौंफ, दो खाने के चम्मच साबुत धनिया, और एक है मीडियम प्याज, और चार से पाँच अदद जो हैं वो हमारे पास जवे हैं लहसुन के, तीन टुकड़े हमारे पास अदरक के हैं, इसके अलावा हमारे पास तेज़पात है, सात से आठ अदद हमारे पास हरी इलायची है, इसके अलावा ये जायफल जावित्री है, हाफ पार्ट हमने इसका लिया है जायफल का और जावित्री है एक पार्ट, तीन हिस्से जो हमारे टुकड़े हैं वो दालचीनी के हैं, आधा चाय का चम्मच हमने काली मिर्च ली है, सात से आठ अदद हमने लौंग लिए हैं, दो बादियान के फूल हैं, एक पीपली का टुकड़ा है, और ये दो जो है हमारे पास बड़ी इलायची हैं। ओके व्यूवर्स, पोटली के तमाम अज्जा जो हैं वो हमने पोटली में बांध दिए हैं, अच्छे से बांध दिए हैं, और ये हमारे पास गोश्त है, और इसके अलावा हमारे पास डेढ़ खाने का चम्मच नमक है। ये तीनों चीज़ें हम पानी में ऐड करके इसको चूल्हे पे चढ़ा देंगे यखनी बनाने के लिए। अच्छा, मेरे पास एक किलो चावल यानी कि तकरीबन तीन गिलास मेरे पास चावल थे, उसमें दुगना पानी जाएगा, मैं छः गिलास पानी जो है वो इसमें यखनी में ऐड कर दूँगी। और चलिए देखिए अब हम आगे क्या करते हैं। ओके व्यूवर्स, पोटली हमारी यखनी में जा चुकी है, अब इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि गोश्त हमारा गल जाए। ओके व्यूवर्स, पोटली पुलाव के सेकंड स्टेप के लिए जो हमें चाहिए उसमें वो प्याज है, मैंने तकरीबन दो बड़े प्याज चॉप करके रखे हुए हैं, और इसके अलावा दो खाने के चम्मच ज़ीरा है, एक बादियान का फूल है, थोड़े चार से पाँच अदद लौंग हैं, और सात आठ अदद काली मिर्चें हैं, साबुत दो तीन पत्ते छोटे तेज़पात के हैं, एक स्टिक मैंने दालचीनी की ली है, और दो इसमें जो है वो बड़ी इलायची जाएंगी। ऑयल हमने इसमें डेढ़ कप लिया है, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इस स्टेज पे हम ये साबुत गर्म मसाला इसमें ऐड कर देंगे और इसको थोड़ा सा मतलब फ्राई करेंगे। ओके व्यूवर्स, ये गर्म मसाला जो साबुत हमने इसमें डेढ़ कप तेल में डाला था ये हमारा फ्राई हो चुका है, बहुत अच्छी सी इसमें से स्मेल आने लग गई है। अब इसमें इस स्टेज पर हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को गोल्डन फ्राई होने तक फ्राई मतलब भूनेंगे। ओके व्यूवर्स, प्याज हमारा ब्राउन हो चुका है, और स्टेज पे जो हमें चीज़ चाहिए वो अदरक लहसुन का पेस्ट है, एक चम्मच अदरक और एक चम्मच लहसुन का पेस्ट मैंने देके उसमें एक कप पानी डाल के इसको मिक्स कर लिया है, और अब इस स्टेज पे हम इसमें इसको ऐड कर देंगे। इसको हमने पाँच मिनट के लिए भूनना है ताकि अदरक और लहसुन की जो एक पसान होती है वो ख़त्म हो जाए, और इधर हमारी यखनी भी तैयारी के मराहल में ही है और बहुत ही धीमी खुशबू आ रही है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में, तो देखिएगा कि सब प्यार के पीछे की खुशबू कहाँ से आ रही है। ओके व्यूअर्स, यखनी हमारी तैयार हो चुकी है और पोटली को हमने रिमूव कर दिया, अब ये हमारी किसी काम की नहीं है, डस्टबिन में जाएगी। और इधर ये जो मैंने कहा था कि आपने इसको भूनना है, ये अब इसमें हम ये गोश्त ऐड कर देंगे, और गोश्त ऐड करके हमने इसको पाँच मिनट इतना को भूनना है कि प्याज का कलर गोश्त पर आ जाए। ओके व्यूवर्स, प्याज का जो कलर है वो गोश्त पे आ चुका है। अब इस स्टेज पे जो है वो हमने जो टमाटर मतलब काट के रखे हुए थे, ये मैंने तकरीबन तीन बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे, ये इसमें ऐड कर देंगे, और साथ ही इसमें ये दही चला जाएगा, और ये साथ ही एक खाने का चम्मच जो हरी मिर्च कूट के मैंने रखी हुई थी वो चली जाएगी। हरी मिर्च ऐड करने के बाद व्यूवर्स, इसमें हम एक खाने का चम्मच नमक, एक खाने का चम्मच लाल मिर्च और डेढ़ खाने का चम्मच सूखा धनिया डाल के इसको इतना भूनेंगे कि टमाटर जो है वो छिलका छोड़ दें और अच्छी तरह से गल के बिल्कुल मैश हो जाएं। व्यूवर्स, टमाटर हमारे मैश हो चुके हैं और मसाला हमारा भून चुका है, अभी इस स्टेज पर हम यखनी इसमें ऐड कर देंगे। ओके व्यूवर्स, जब आपकी यखनी अच्छी तरह उबल जाए मतलब दो मिनट उबालने के बाद, ये चावल जो हमने पहले से एक घंटा पहले भिगो कर रखे हुए थे इसका पानी निकाल के अब इसमें हम ये ऐड करते हैं। व्यूवर्स, तेज़ आंच पर इसको इतना पकाना है जब तक इसका पानी खुश्क ना हो जाए। ओके व्यूवर्स, पानी खुश्क हो चुका है, अब इस स्टेज पर हम ये गीले कपड़े से इसको दम दे देंगे तकरीबन तीन मिनट के लिए। व्यूवर्स, पुलाव को दम लग चुका है, अब हम इसे डिश ऑफ करते हैं। ओके जी, पोटली पुलाव हमारा तैयार है, ये आपके सामने, हम इसको डिश आउट कर चुके हैं। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा और फिर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो मेरी, तो ज़रूर इसको लाइक और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो किसी और दिन किसी और नई रेसिपी के साथ आपके साथ पेश होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।